हनी सिंह पसंद है कोई? हाँ जी नमस्कार, प्रणाम, सतिकाल, केमचो, आदाब, जय श्री राम, हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो चलिए रेडी हो गए, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और अब चलते हैं बाजार में घूमने। और देखिए पापा जी बैठे हुए हैं, टीवी चल रही, पापा जी की न्यूज देख रहे हैं और मम्मी जी बैठे हुए न्यूज देख रहे हैं। गाइस यहाँ पे वॉलीबॉल का मैच चल रहा है अपने लाल टंकी अमराई में, तो देखें कुछ भाई हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं सब, और दर्शक के रूप में हम चेयर पे बैठ के देख रहे हैं। भैया से, लाल बहादुर भैया से, कि ये कुछ इनसे सवाल पूछते हैं। तो भैया ये चीज़ अपन ने किस वजह से इस चीज़ की शुरुआत करी है? क्या भाई साहब, जैसे अभी क्या बच्चे लोग उसमें जा रहे हैं, ज्यादा मोबाइल में ज्यादा जा रहे हैं, खेल में रुचि नहीं है। जी जी, पढ़ाई में तो है मगर क्या है, खेल में खेल में नहीं है, स्पोर्ट में। हाँ, स्पोर्ट में आ जाए थोड़ा सा जी, क्योंकि अभी खेल का विकास होगा, शरीर का विकास होता है ना, जी जी किया है। तो इसमें विशेष तौर से किसने आपको ज्यादा सहयोग करा आगे बढ़ाने? महेंद्र सिंह परमार जी का भी है इसमें, अपना महेंद्र सिंह परमार जी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सभी भाई पूर्व पार्षद जी, अभी पार्षद हाल में जितेंद्र भैया जी, जितेंद्र शुक्ला जी, उनका योगदान था। तो देखिए आप, मैंने आपको अभी बताया अपने ब्लॉग के माध्यम से कि ये लाल बहादुर भैया ने जानकारी दी कि बच्चे ताकि थोड़ा सा है ना स्पोर्ट में जुड़े रहें और मोबाइल के प्रति जो आजकल ज़्यादा रुझान दिखा रहे हैं और उन लोगों की शारीरिक भी उनकी विकास सही से नहीं हो पा रहा है मोबाइल की वजह से, और ये स्पोर्ट के जरिए खेल के जरिए स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो जिसको संचालन कर रहे हैं हमारे लाल बहादुर भैया और तिलक भैया, इसको टीम को लीड कर रहे हैं एक कप्तान के रूप में, ये हमारे तिलक जी हैं जो कि हमारे पूरे खेल को एक कप्तान के रूप में संचालित कर रहे हैं और जिसको सहयोग कराएगा हमारे सभी क्षेत्र के राजनीति। तो भैया से बात करना चाहूँगा, भैया पूरा नाम बताएं अपना। तिलक राजभर। तिलक राजभर, अपन अभी टीम को क्या कर रहे हैं, कप्तान लीड कर रहे हैं, मतलब कप्तान अपन है, बच्चे हैं इनको बता रहे हैं खेलने के लिए। तो ये आप कब कितने वक्त से ये खेल रहे हैं ये गेम? तो है कम से कम 15 साल हो गए, लेकिन अच्छा अच्छा तीन चार महीने हो गए अपने को। जी जी जी, हाँ 3 महीने हो गए अपने को खेलते हुए, बच्चों को यहाँ समझाने के लिए खेलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आपको ऐसा मन में कब आया कि ये अपन को अपने क्षेत्र में बच्चों को उतारना चाहिए, मतलब क्या चीज़ से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि ये वाला स्पोर्ट ज़्यादातर सब लोग है ना क्रिकेट में, मगर ये वॉलीबॉल वाले में किस तरह से आपने दिमाग में, कब आपके दिमाग में आया? अपना दिमाग में आया कि बच्चे फालतू घूमते रहते हैं। जी जी जी, इनको थोड़ा सुधार लाए, अपना फिटनेस, बड़ा मैदान भी नहीं है। जी, छोटा मैदान है अपन, उसी में जाता है, अपन बच्चों को लेकर के अपन फिटनेस देते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा तिलक भाई साहब ने हमें ये बात बताई, वो मैं काफ़ी दिनों से यहाँ से जा रहा था, जब मैं व्लॉग बनाने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा खेल चलता रहता था यहाँ पे, तो मैंने सोचा आज व्लॉग के माध्यम से ये मैसेज आपको दिया जाए कि भाई लोगों ने, ये जो भैया लोगों ने कदम उठाया, ये कहीं ना कहीं बहुत जुझारू और बहुत अच्छा कदम है जिससे बच्चे स्पोर्ट के थ्रू अपने शरीर को भी अच्छा रख सकते हैं, अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और देख सकते हैं आप कुछ बहुत छोटे छोटे बच्चे भी। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? आकाश नाम। कितने साल के हो? मैं 12 साल के हो। और आप कितने साल के हो बेटे? 12 साल के। क्या नाम है? प्रीत नाम है। तो आप देख सकते हैं 12 साल की छोटी सी उम्र में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे से कि वो प्रीत और ये दोनों ही बहुत अच्छे एक्टिव मतलब एक प्लेयर हैं और अच्छा खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं जिसमें योगदान जाता है तिलक जी का भी और लाल बहादुर भैया जी का भी। तो चलिए व्लॉग के माध्यम से मैं आपको सूचना दे रहा था, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप भी चाहते हैं अपने अपने क्षेत्र में अगर ऐसा कुछ क्रिएटिविटी आगे बढ़ाने की, तो इसी तरह भैया लोगों की तरह आप लोग भी अपने क्षेत्र के बच्चों को अपनी टीम एक बना सकते हो और स्पोर्ट को और खेल को आगे बढ़ा सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, किम छो, आदाब, हर हर महादेव, में आप सभी का भाई अर्पित नाना भोपाली, और इस वक्त से हम लाल टंकी अमराई परिसर में, जहाँ पे कि वॉलीबॉल का एक बहुत ही शानदार मैच हमारे आदरणीय लाल बहादुर भैया और महानुभाव के द्वारा रखा गया, और भैया लोग की फरमाइश थी कि एक आवाज़ सुना दें नाना पाटेकर जी की, थोड़ा पास आ जाए कैमरा लेके तो मैं अच्छे से सुना दूँ आवाज़। तो नाना पाटेकर जी की, मेरे गुरु जी की आवाज़ में आपको संदेश देना चाहता हूँ, जो आपने कितनी अच्छी आपने पहल आगे बढ़ाई है। अरे देखो, भगवान का दिया सब कुछ है, धन है, दौलत है, सौरत है, बस आप लोगों के प्रयास की कमी थी वो पूरी हो गई, और आ गए वॉलीबॉल का मैच देखने। मुझे पता था आप देखोगे, जाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पर बताने के अलावा आप लोगों को अपने बच्चों को भी उतारना है जिससे बच्चे स्वस्थ रहें। ए कलम वाली भाई बताओ। थैंक यू सो मच भाई, मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। तो गाइस जा रहे हैं पार्क, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। अभी बज रहे हैं रात के 10:30, पूरा सन्नाटा हो रहा है, कुछ दुकानें खुली हैं कुछ नहीं खुली हैं। मिलते हैं पार्क के अंदर। हाँ जी गाइस, तो आ गए हैं पार्क में और मिल गए अपने रघुवीर भाई, जो रेप आपने सुना होगा भाई का। भाई ने साइन भी दिखा दिए करने वाले, ये होती रेपर की पहचान, साइन दिखा देते हैं। तो कुछ चलो घूमते पार्क में, क्या कैसा लोकेशन है फिर देखते। चलो गाइस आ गए हैं पार्क में और एक और हमारे भाई मिल गए थे, उनसे थोड़ा पूछते हैं कि कौन से क्या रैपिंग सुनते हैं और किसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, हमारे साथ में हमारे भाई बेटे, क्या नाम भाई? दीपेश नामदेव। दीपेश नामदेव भाई है, अमराई, अमराई की रहने वाले हो, अमराई में रहते हैं। आपको रैपर में कौन से रैपर पसंद है, मतलब गाने किसके अच्छे लगते हैं? हनी सिंह के। कोई एक आध गाने आते भाई? देखो पेन हो तो गाने तो आते होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई सा भी सुना दो, हनी सिंह पाजी के तो ढेर सारे गाने फेमस हैं। अभी आप बोल रहे हो हनी सिंह का पेन हो, कह रहे हो गुरु रंधावा चीटिंग करता है। तो हनी सिंह पाजी का कोई तो गाना याद होगा, कुड़िया नु तेरे ब्रावन दे दे, या फिर यू आई सिप नो टाई, कुड़िया नु तेरे पास पास कर दो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखो भाई बहुत कर्रा रेप सुना है भाई ने, हालांकि कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, मगर आई हो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। थोड़ा क्या भाई, टेन थोड़ा अलग वाले, ये बोल रहे थे गुरु रंधावा जी का इनने नाम लिया था। अब अपन देखते गुरु रंधावा जी के गाने इनको कौन से अच्छे लगते हैं। कोई एक गाना गुरु भाई का, रंधावा भाई का अच्छा वाला, गुरु रंधावा का कोई ऐसा गाना, ये बहुत से गाने उनके फेमस है। अलग दिल होर दिया, अलग दिया होर दिया, सामने कर दिया, कुड़ी दा पता करो तेरे पिंड दिया सिंह सेड़ दी सेड़ दी सेड़ दी फाड़ दी। दादा देखो अब मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, ये भाई है ना गुरु रंधावा के भी फैन है, हनी सिंह के भी फैन है और गाने भी गा रहे करने वाले बिल्कुल। बस इनको क्या है, एमसी स्टैंड से पूछते हैं। एमसी स्टैंड को जानते हो? गजब बेइज्जती है। अरे एमसी स्टैंड को नहीं जानते? नहीं जानते भाई। अरे यार क्या बात कर दी लो यार, दादा ये एमसी स्टैंड को नहीं जान रहे। चलो हो जाता है, क्योंकि ये हनी सिंह भाई के फैन है, गुरु रंधावा के फैन है, तो इनका फ्लो थोड़ा अलग है, इनका टेस्ट भी अलग है। रेप ये वन सोनी है, इनसे पूछते हैं इनको कौन से रेपर पसंद है, कौन से रेपर कौन से पसंद है, गाने किसके सुनते हैं दादा? क्योंकि हमारे दर्शक लोग चाहते हैं कि कुछ आपके मुँह से थोड़ा सा कैमरा इनके लाओ। अरे कोई बुराई नहीं, सुना दो सुना दो। विजय डीके का नहीं, उसका सुना दो, एमसी भाई का। एक दिन प्यार, दूसरे दिन बंद करो हाथ जोड़ के मैं। चलो बने रहो व्लॉग में, अब मिलते किसी दूसरे फैन से, मिलते अगले सीन में। उनको देखते हैं कुछ भाई लोगों को, पब्लिक से आज पूछते हैं अपन कुछ कि क्या क्या इन लोगों को इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे एक भाई हमें मिल गए थे, भाई क्या नाम अपना? दुर्गेश। दुर्गेश नाम है, कहाँ रहते भाई अपन? अमराई। अमराई में। भाई आप कुछ रेपरों को जानते हो क्या, जैसे एमसी स्टैंड हो गए, हनी सिंह हो गए, बादशाह हो गए? तो हनी सिंह और एमसी स्टैंड, एमईबी वनटाई, बादशाह, इनमें से कौन सा आपको सबसे तगड़ा लगता है? हनी सिंह। तो गाइस देख सकते हैं हनी सिंह भाई के फैन है ये। कुछ आप एक आध दर्शकों के लिए हमारे गुनगुना सकते हैं क्या गीत? कोई भी एक, शर्माना नहीं है भाई। देखो ये हनी सिंह अच्छा ये तो उनका मतलब साइन है, ये तो उनका एक वो है मतलब टैग लाइन है ये उनका। हाँ कुछ एक सॉन्ग देखो सर, हाँ ब्राउन रंग, शर्माना नहीं है ये अच्छा, बस इससे ज्यादा। चलो एक है ना, एक एक फैमिली मिल गई है अच्छी, तो उनसे अपन बात करते हैं। अपन एक बार दे दे थोड़ा सा इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं। दीपा बोरे। और आप बेटा क्या नाम है? पूजा चौहान। और आपका क्या नाम है? काजल पटेल। आपका? आपको हमने देखा है बहुत बार, मिमिक्री करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाय हाय, इतना सुकून। वो कोई पसंद है एक्टर? हनी सिंह पसंद है। कोई एक गाना गुनगुना सकते हनी सिंह का? ब्लू आई सिप नो टाइस, या कोई सा कुड़िया नु तेरे ब्राव रंग दे, या और कोई सा गाना? कोई भी शर्माइए मत, ये व्यूअर्स कोई फैमिली चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, वो तो गाना है। अरे गा दीजिए, कोई भी भैया के लिए गा दीजिए।
अच्छा देखो जा, सबसे अच्छा गाना लगता है लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। चलो ठीक है, क्या बात है, चश्मा लगा के आ जाओ सारे मुंड बना के ऑल द रजनी पे तलाइवा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया एंड मिलते हैं। भैया बाय कर दो, एक बार बोल दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दे, आप भी हमारे आगे भैया है, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच, तो चलो मिलते हैं अगले किसी सीन में। तो चलो गाइस आ गए थे फिर से दूसरे सीन में, और अब पूछते हैं ना कुछ कुछ गर्ल्स हमारे साथ थी, उनसे पूछते हैं उनका रैपर कौन से पसंद है। तो हेलो मैम, क्या हाल चाल? बस बढ़िया। क्या नाम आपका? वर्षा मोरे। एक्चुअली रैपर आजकल बहुत सारे फेमस हो रहे हैं, बट आप में मैं तीन कुछ ऐसे चार नाम लूँगा, आपको ये बताना है कि उसमें से आपको बेस्ट कौन से लगते हैं। सबसे पहले बादशाह, सेकेंड एमी बी बंटाई, हनी सिंह एंड एमसी स्टैंड, इसमें से बेस्ट कौन है? हनी सिंह और बादशाह। ओके okay. MC Stan, समझ रहे? अच्छा डिसीजन चेंज कर दिया, थर्ड पे MC Stan। तो MC Stan का कुछ एक आध लाइन, कुछ भी वन लाइन गुनगुना सकते हैं, कोई भी पीटाउन बेबी या फिर एक दिन प्यार दूसरे दिन तू हेट कर, तड़ी पार, कोई सा भी एक। अच्छा हनी सिंह का सुना दीजिए, सुनने में ज्यादा अच्छे गाने। कोई दिक्कत नहीं ना, ये व्यूअर्स तो सब समझते हैं यार, कौन अब सब स्टार लोग भी जाके स्टूडियो में गाते हैं, नॉर्मल आवाज तो सबकी अपने जैसी ही रहती है। नहीं ना। अच्छा ब्लू आइस कुछ एक आध सुना दे लाइन, ब्लू आइस हिप्नोटाइज, कर दिए मैंने छोटी। थैंक यू सो मच। तो चलो एक और फैन मिल गई है और क्लैपिंग कर दी है दीदी ने, तो चलो मिलते हैं, चलो चलो, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मोरे, वर्षा मोरे, क्या नाम बताया था? वर्षा मोरे। तो चलिए मिलते हैं अगले सीन में, अभी के लिए बहुत अच्छा रैप सुनाया था। तो चलो गाइस आ गए थे पार्क में, बहुत सारे लोग थे, ये अपने भाई बंटर टीम बेटी पूरी, और ये भैया एक आ गए, भैया क्या नाम अपना? चंदन। अपन हनी सिंह को जानते हैं और MC Stan को? गजब बेइज्जती है। नहीं हनी सिंह का कोई गाना आता है क्या? अच्छा अपन कहाँ के रहने वाले? आपकी जूस की दुकान है ना मेरे। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अच्छा क्या कहाँ के रहने वाले अपन? ललितपुर। खेसारी लाल यादव को जानते? पवन सिंह को? लॉलीपॉप लागे लू है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाना आता है क्या कोई भोजपुरी? कौन सो आते है वो गानो? कोई तो आता होगा, नहीं आता। देखो ये हमारे भाई हैं और ये कह रहे हमें गाना ही नहीं आता। शादी हो गई आपकी? जब भी तो शादी नहीं हुई, गाना नहीं आता है। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो बने रहो सीन में, कॉमेडी कर रहे थे अपन, दिल पे मत लेना, मैं बुरा तो नहीं माना, नहीं मान जाओगे तो क्या मारोगे? बड़ा हरामी हो बेटा। मजाक कर रहा हूँ गाइस, भैया बहुत अच्छे हैं, मिलते हैं अगले सीन में। तो गाइस चलो फिर से आ गए अगले सीन में, और एक प्यारी सी स्वीट सी बहुत अच्छी सी बच्ची हमें मिल गई है, गुड़िया क्या नाम है अपना? पूजा चौहान। पूजा चौहान, और आप क्या भोजपुरी सॉन्ग सुनाने वाले हो? हाँ। तो सुनाओ फिर एक आध कोई भोजपुरी सॉन्ग। पत्थर पत्थर पोनावा के पत्थर रे पतोइया, आई रे पतोइया के लाली चटकार, पत्थर पत्थर पोनावा के पत्थर रे पतोइया। अच्छा सुनो सुनो भगो मत, बहुत अच्छा गाया आपने, थैंक यू। और कौन सी क्लास में बेटा? फिफ्थ में। तो कहाँ रहते हो? अमराई में। हाँ। अमराई में। हाँ। तो खेसारी जी का कोई गाना आता है क्या? नहीं। अच्छा खेसारी जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा एक्टिंग करते हैं। हाँ। और पवन सिंह जी? पवन सिंह जी अच्छा करते हैं। तो लॉलीपॉप सॉन्ग आता है पवन सिंह का? तू लगा हवे लू जबली बीस्टी, गावो एक बार सुना दो। हिले लाया रा डिस्ट्रिक जिला टॉप लागे लू कमरिया, ओए होए कमरिया करेला पाला पला। आपको अच्छी लगी? और खेसारी जी का कोई आता है? नहीं। मैं सुना दूं? चलो साथ में आओ मेरे, इधर साथ में आ जाओ। तो मैं एक इनको खेसारी जी का सैड सॉन्ग सुनाता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, है ना गाइस, सूट कर देना थोड़ा बाबा, बस ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा इतना पास है। मैं इनको खेसारी जी का क्या नाम बताया था आपने? पूजा चौहान। प्यारी सी गुड़िया को खेसारी जी का एक साइड सॉन्ग सुनाता हूँ। हाँ हाँ दिल ना लगई हाँ, हे मोरे राम दिल ना लगई हाँ, फेरू जोनी आई हाँ,
अब जा 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 जान भुला जाई हो, अब जा 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 जान भुला जाई हो, कि हमारा प्यार के बदला में बोला का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू हो तो दगा देले बाड़ू हो। कैसा लगा? अच्छा लगा। तो गाइस ये मैंने गुड़िया के लिए ना स्पेशली एक ने बोला था खेसारी जी का, मेरे को ये सॉन्ग पसंद था सैड सॉन्ग, तो मैंने सुना दिया। एंड थैंक यू सो मच पूजा, अगली बार वीडियो में आना ना तो एक आधे और अच्छा सा गाना सोच के आना बहुत करीब, तो तुम्हारा एक ब्लॉग बना देंगे। तो चलिए बाय कर दो एक बार और बोल दो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस अब अपन जा रहे हैं घर, और ये अपने प्रकाश भाई मिल गए थे अपन को, काफी देर से बैठे थे हम लोग, पार्क से भी आए इधर, और भाई ने मेरे को थंबनेल बनाने का कुछ नया तरीका बताया। कौन सा ऐप बताया, क्या ऐप का नाम बताया था तुमने? ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क और तो आप सभी को पता होगा भाई लोग, और हाँ मेरा ब्लॉग आ रहा है नया परसों, देख लेना भाई का ब्लॉग, देख लेना पीकेएम ब्लॉगर चैनल का नाम है, जरूर देखना भाई का ब्लॉग। करो करो इस वीडियो के इस टाइम स्टैंड पे हो गए ना तो बिल्कुल देख लेना। ओके और वीडियो को लाइक भी कर दो फट से। बिल्कुल थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं अगले सीन में, चलते घर। बाय। तो चलिए गाइस आ गए हैं घर पे और भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, और ये देखिए मम्मी जी का काम चल रहा है, अंगूर और फल कट रहे हैं, खरबूज। ये क्या आया, आम आया है क्या आज? अरे गजब, आज बादाम आम आया है भाई, आज आम खाएंगे। मम्मी जी ने अंगूर तो छाट लिया, आम भी कट रहा है, और देखते हैं आम का सेक बनता है तो सेक पियेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही खा लेंगे। और देखिए पापा जी आराम से लेटे हुए बिस्तर पे, और ये देख रहे हैं न्यूज़ रिपब्लिक भारत। तो चलिए न्यूज चल रही है, हाँ तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, और आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एमसी स्टैंड के बहुत सारे फैन है, बस लोग का सॉन्ग भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्लीज गाइस सपोर्ट करिए ब्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सभी अपने चाहने वालों तक वीडियो पहुंचाइए, और चैनल पे इसी तरह प्यार बरसाए रहिए। और नए अगर आप व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार व्लॉग में, अभी के लिए नमस्कार प्रणाम सत श्रीकाल केम से आदाब जय सिया राम हर हर महादेव।